हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज मैं लेकर आई हूँ बालों को काला करने की एक ऐसी होम रेमेडी, ऐसी मैजिकल होम रेमेडी जिसका मुझे बहुत समय से इंतजार था कि ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ मिले जिससे मुझे केमिकल अपने बालों में ना लगाना पड़े, जिससे बाल शाइनी और सिल्की भी हो जाए और मतलब यू नो स्ट्रांग भी हो जाए। तो आज मुझे फाइनली वो रेमेडी मिल चुकी है और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी केमिकल की चीज़ों से दूर रहो, बालों में कलर्स मत लगाओ, नेचुरल चीज़ों पे आओ, आपके हेयर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे भी कुछ लंबे समय से ग्रे हेयर हो रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आपको एक भी ग्रे हेयर दिखाई दे रहा है? और मेरे जितने भी ग्रे हेयर है ना, वो आगे की तरफ है। आपको एक भी ग्रे हेयर मेरे बालों में नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो रेमेडी मैं यूज़ कर रही हूँ उसका रिजल्ट बहुत 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 अमेजिंग है। पूरा मैं प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इसे मैं बनाती हूँ 2-in-1 तरीके से, मतलब दो तरह के मैं पैक लगाती हूँ जिसमें हमारा मतलब दोनों काम हो जाते हैं, एक ही बारी में हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ। बेसिकली मेरे साथ क्या है, मेरे ना आगे की तरफ वाइट हेयर है, पीछे की तरफ नहीं है। तो मैं आगे आगे वो पैक लगाती हूँ जो मेरे बालों को ब्लैक करता है, और पीछे की तरफ मैं वो लगाती हूँ जो मेरे बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, शाइनी करता है। तो एक बारी में हमारे दोनों काम हो जाएंगे, काले भी हो जाएंगे बाल और शाइनी भी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है मेथी। मेथी को मैंने क्या करना है, रात को 2-3 चम्मच, मतलब मेरे तो बाल छोटे हैं तो मैं उस हिसाब से मेरे लिए 2-3 चम्मच बहुत रहता है। मैं इसको रात को पानी में भिगा देती हूँ, और रात को भिगने के बाद ना सुबह सॉफ्ट हो जाता है, ये मेरे बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देता है। और सुबह मैं इसे मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लूँगी। बहुत मतलब मेथी जो है ना, मुझे लगता है बालों के लिए ना बिल्कुल एक वरदान के जैसा है। मेथी बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हमने एक स्टेप कर लिया कंप्लीट। अब हम आ गए दूसरे स्टेप पे। मैंने लिया है लोहे का एक छोटा सा बर्तन, ये जिसमें मैं हमेशा अपनी मेहंदी घोलती हूँ, जिससे मेहंदी ना थोड़ी ज़्यादा काली हो जाती है। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिया 1 चम्मच इंडिगो पाउडर। मैं इसको बहुत कम लगा रही हूँ, इसलिए मैं क्वांटिटी भी बहुत कम ले रही हूँ। आपके बाल पूरे बालों में लगाना है, लंबे बाल हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी लेना। तो मैंने लिया है 1 चम्मच इंडिगो पाउडर, और ये है आंवला पाउडर। तो 1 चम्मच मैंने क्या लिया है, आंवला पाउडर। आंवले पाउडर में इसको हम अच्छे से ना मिक्स करके इसमें में पानी बनाएंगे। इसका पानी कैसे बनता है, इसमें हमने लेना है थोड़ा सा पानी ले लो, मतलब आधा कटोरी के करीब आप पानी ले लो और इसे खोल लो। जो आप ये पैकेट देख रहे हो ना, ये वो पैकेट्स है जो हमें टी के मिलते हैं ना होटल्स वगैरह से, मैं इसमें वो पैकेट्स डालती हूँ। क्योंकि ये पैकेट्स जो होते हैं ना, ये जो टी होती है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, और इसकी जो ग्रीन टी, ये ब्लैक टी जितनी भी होती है, ये हेयर्स के लिए ना बहुत अच्छी होती है, इनके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही पैकेट्स लेती हूँ जो मुझे होटल्स वगैरह के टी पैड वगैरह रखे रहते हैं, यूज़ भी हो जाते हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने वो 2 पैकेट्स ले लिए हैं, उसका मैंने पानी बनाया है। साथ में मैंने ली है 2-3 लौंग ली है। लौंग से भी ना बाल स्ट्रांग भी होते हैं और ब्लैक भी ज़्यादा होते हैं, उसे भी मैंने पानी में डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से खोलने दूंगी पानी को, थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम जैसी हो जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको खूब खोलने देंगे, उसके बाद मैं इसको 1 ग्लास में छान लूँगी। छानने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करके हम पका के अच्छे से, अब हमने इसको छान लिया। छानने के बाद हमने क्या करना है, हमने उस जो इंडिगो पाउडर और मेहंदी ली थी ना, उसमें धीरे धीरे से मिक्स करना है, बहुत धीरे धीरे से मिक्स करना। देखो पानी कितना ब्लैक हुआ है ना, बिल्कुल ब्लैक पानी। अब हमने करना क्या है, इसमें ले लिया हमने इंडिगो पाउडर और जो आंवला पाउडर बनाया था ना, उसमें धीरे धीरे से इसे मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ओवरनाइट इसको रखना है, पूरी रात आप इसको भिगा के रखो। इसमें मेरे लिए थोड़ा सा पानी ना ज़्यादा हो गया है, वैसे ही काफ़ी गाढ़ा हो जाता है सुबह तक, थोड़ा आप उस हिसाब से आप। और ये रेडी हो गया हमारा इंडिगो पाउडर का, जो मैंने बनाया था ना रात को इंडिगो पाउडर। तो ये इतने अच्छे से हो गया है, इसका गाढ़ा भी हो गया है और इसका कलर भी अब बहुत अच्छा आएगा। और ये हमारा मेथी का मास्क जो हमने रात को भिगाया था, हमने मिक्सी में पीस के इसको रेडी कर लिया है। अब देखो हम इसको किस तरीके से लगाते हैं। भाई देखो, मेथी का जो मास्क है ना, मुझे तो अब तक का सबसे अच्छा मास्क लगा है मेथी का। धीरे धीरे मैंने अभी हेयर कट लिया है, तो आपको मेरे बाल छोटे लग रहे होंगे, मैंने अभी, मुझे ज़्यादा एक्चुअली बड़े बाल पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा हेयर कट ही रखती हूँ। अच्छे से बालों को लगा लेना है।
अब आप देख रहे होगे मैंने पीछे सब जगह लगा लिया, लेकिन मैंने आगे की साइड नहीं लगाया है मैंने ये मेथी, क्योंकि मेरे ना आगे आगे ही थोड़े बाल हेयर जो है ना, मेरे बाल ना आगे आगे के ही थोड़े से वाइट है, तो मैं क्या करूँगी कि आगे आगे लगा लूँगी इंडिको पाउडर, जिससे क्या होगा मेरा एक ही बार में ना दोनों काम हो जाते हैं, वरना फिर मेरे को क्या करना होगा, अलग अलग काम करना होगा, एक बार अलग से इंडिको पाउडर, तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि इंडिको पाउडर को आगे आगे लगा लेती हूँ जितना मुझे ज़रूरत होता है। इंडिको पाउडर किस तरह से बनाना मैंने आपको बता ही दिया है, पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। थोड़ी मोटी लेयर लगाना जिससे इसका कलर अच्छा आए। अब मैंने कर लिया है बालों को शैम्पू, मतलब वॉश कर लिया अच्छे से। आप देखो सारे ब्लैक, सॉफ्ट, सिल्की और ब्लैक हो गए हैं। जल्दी से बनाइएगा ये, और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।